नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS ऑफिशियल डाक विभाग और ग्रामीण डाक सेवकों का सबसे विश्वसनीय चैनल। तो दोस्तों, हाजिर है हम काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ और यहाँ पे आप क्या खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि कुछ जगहों में अभी भी नाइंसाफ़ी का जो ये सिलसिला है चल रहा है। तो आपको बताते हैं, यहाँ पे एक हम ऑब्जर्वेशन बताएंगे, एक स्टडी बताएंगे। तो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम जो बताया जाता है कि GDS का जो कमाई का जो स्रोत है और भी होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और क्या है, ये पूरा आर्टिकल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, GDS कमेटी में कुछ ऑब्जर्वेशन किए थे जब शुरुआत दौर पे, जब वो बनाने जा रहा था GDS रिपोर्ट। तो कमेटी रायबरेली डिवीज़न में गई थी उत्तर प्रदेश के, और वहाँ पर TRCA स्लिप उन्होंने देखा था जो श्री वीरेंद्र कुमार जी का था, GDS MP थे सरेनी। और यहाँ पे जो कॉपी था, जो सैलरी स्लिप थी, वहाँ पे दिखाया गया दोस्तों, जो नेट सैलरी यानी इनहैंड सैलरी उनके दी जा रही है वो है दोस्तों 3,977 रुपये। तो किस तौर पे दी जा रही थी आपको बताते हैं दोस्तों। बेसिक यहाँ पे देख सकते हैं 2,385 और DA उतना ही मिलाकर टोटल जो उनका हो रहा था 5,223, जो वो भी नॉर्मल नहीं है एक परिवार चलाने के लिए। और डिडक्शन के बाद उनको मिल रहा था 3,977। तो ये था GDS रिपोर्ट से पहले की बात, जहाँ पे आप देख सकते हैं 3,000 करीब 4,000 रुपये में पूरा जो है परिवार चलाना पड़ता था और सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। और यहाँ पे सेम सिचुएशन अभी देखा जा रहा है, इसलिए बहुत ही बड़ी बात है, एक काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। सेम सिचुएशन अभी भी जो न्यूली रिक्रूटेड GDS है उनको कहीं ना कहीं सारे डिवीज़न में कुछ लोगों को नहीं दी जा रही है नया वेतन जो है, जो कि है अभी दोस्तों 10,000, 12,000 और 14,500, जो कि 14,500 भी अभी कह लीजिए 21वीं सदी में अभी जो टाइम चल रहा है इतना काफ़ी नहीं होता। लेकिन अब उस जगह में भी यहाँ पे कई लोगों को जो पुराने वेतन दिए जा रहे हैं, अगर आपको भी पुराने वेतन दिए जा रहे हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सीनियर GDS है उनको भी अभी 8,000 से 9,000 रुपया भी आ रहे हैं। तो ये दोस्तों 8,000 से 9,000 हो या 14,500, ये सारे जो TRCA लेवल है एक परिवार चलाने के लिए काफ़ी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा कम है। यहाँ पर सेंट्रल एम्प्लॉयज़ अगर गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ कहा जाता है तो इस हिसाब से काफ़ी कम है। तो इसके लिए काफ़ी जो है प्रॉब्लम हो रहे हैं, और इस पर अगर आप कंप्लेन करेंगे तो डिपार्टमेंट या सुप्रीम कोर्ट बताएगा कि इसीलिए जब GDS फॉर्म भरता है, जब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चलता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम यानी जीने का जो है, जो कमाई का और एक ज़रिया होना चाहिए GDS में अगर भर्ती होते हैं तो। लेकिन जो मेन समय होता है जो 10 से 2 बजे का समय होता है, ये तो दोस्तों ग्रामीण डाक सेवक का जो ऑफिस खोलने में, ब्रांच ऑफिस खोलने में चला जाता है, तो बाकी काम कैसे करें। तो ये काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, इसको लेकर कई सारे बड़े बड़े केसेस हुए भी है और कई सारे यूनियन ने भी आवाज़ उठाई है, कुछ अभी तक फल निकल कर नहीं आया है। और इसी तरह से जो अगर चलता रहा तो ग्रामीण डाक सेवकों को भी किसानों की तरह जो है सुसाइड करना पड़ेगा, ऐसे केसेस देखने को अब मिल भी रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये एक लक्ष्मी नारायण जी न्यू GDS का एक आर्टिकल, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही जल्द हम 1,00,000 का परिवार होने वाले हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली की अपडेट्स मिलती है, ब्रेकिंग न्यूज़ मिलती है। धन्यवाद।